नहीं खेली जाएगी भारत और बांग्लादेश की सीरीज। भारत और बांग्लादेश मुकाबले को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार होगा तो फिर क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं और कहीं ना कहीं फैंस के लिए बुरी खबर आने वाली है। क्या अपडेट है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार यह ऐलान क्यों किया गया है। दरअसल भारत और बांग्लादेश सीरीज पर खतरा मंडरा गया है। हिंदू महासभा ने बड़ी चेतावनी दी है, हिंदुओं के नरसंहार को लेकर यह चेतावनी दी गई है। ग्वालियर में मैच ना कराने की मांग की गई है, इसको लेकर पीएम मोदी को खून से चिट्ठी लिखी गई है। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मुकाबला खेला जाना है, T20 मुकाबले की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस पूरे सीरीज पर खतरा मंडरा गया है और साफ तौर पर यह खुली चेतावनी दी गई है कि अगर यहां पर मुकाबले कराए गए तो फिर हम नुकसान पहुंचाएंगे, ग्राउंड को खोद दिया जाएगा और जो बाकी के हिस्से हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट किया जाएगा उससे कहीं ना कहीं क्षति जरूर पहुंचेगी। और ये पूरा मसला इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटी हैं उससे हिंदू महासभा काफी आहत है। इस लिहाज से वो नहीं चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ क्रिकेट भी खेला जाए जहां पर हिंदुओं की स्थिति इस तरीके की हो रखी है। अगर बात करें भारत और बांग्लादेश मुकाबले की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 19 सितंबर को चेन्नई में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मुकाबला 27 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा, जिसके बारे में अपडेट ये भी आ रही है कि दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर से शिफ्ट कराकर इंदौर में करा दिया गया, यानी कि दूसरा टेस्ट मुकाबला इंदौर में कराया जाएगा, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं T20 मुकाबले की शुरुआत जो है 6 अक्टूबर को ग्वालियर में होगी जहां पर ये प्रोटेस्ट की बात सामने आ रही है। वहीं 9 तारीख को दूसरा T20 मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा और तीसरा T20 मुकाबला 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। अब इसमें जो सबसे भारत के लिए यानी कि हिंदुस्तान के लिए जो बुरी खबर है कि अगर टेस्ट मुकाबलों में इस तरीके की बात सामने आती है, प्रोटेस्ट की वजह से टेस्ट मुकाबले प्रभावित होते हैं, तो भारत के लिए WTC में झटका रहेगा, क्योंकि WTC में अगर आप देखें तो भारत अभी नंबर 1 पर है। लेकिन अगर इन वजहों से मुकाबले को कैंसिल करना पड़ सकता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन देखना पड़ेगा कि T20 मुकाबले को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आती है। जैसे अपडेट आएगी स्पोर्ट्स नाउ पर आपको सबसे पहले ही जानकारी मिलेगी। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।